मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ऑल ऑफ यू आर वेल एंड आई होप दैट यू आर डूइंग स्टडी इन अ पैशनेट मैनर। सो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास टेंथ में मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इसमें इस एपी में कितने टर्म्स होने चाहिए जो कि जिसका सम जो है 636 होगा। तो बच्चों चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या दिया है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया है आपका, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी ए इक्वल टू दिया है 9। इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा डी इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स एन को फाइंड आउट करना है जिसका सम जो है, इसका सम कितना होना चाहिए, 636। ठीक है, यही अपने को इस एपी में फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। अब चलिए इसमें फार्मूला लगा लेते हैं। तो ए से एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू 2a+n-1d। ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसमें ए अपने को मालूम है, डी मालूम है, sn मालूम है, n अपने को फाइंड आउट करना है। तो ए से एन क्या है, 636, ये हो जाएगा एन बाई टू, 2 इंटू a क्या है 9 प्लस n-1, और इसमें डी क्या है, इसमें डी हमने निकाला है 8। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 636 इक्वल टू एन बाई टू, है ना, 2 इंटू 9 प्लस, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो n-1 इंटू 4। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो हम लोग इसको 2 को निकाल सकते हैं। 636 2 बाहर निकला दोनों का, तो 2 इंटू n अपॉन 2, इसके अंदर में क्या बचेगा, 9 प्लस, ये यहाँ पे 1 है, तो n-1 इंटू 4, तो 2 1 जो 2 2 1 जो 2, ये कट गया। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो 636 इक्वल टू n इंटू 9 प्लस 4n-4। और सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 636 इक्वल टू n(5+4n)। और बच्चों सॉल्व करेंगे तो 636 इक्वल टू 5n+4n² और इसको इधर ट्रांसफ़र करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4n² + 5n-636 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसमें इसका जो कोफिशियंट है, ए जो है 4 है, इसके कोफिशियंट बी जो है 5 है, और सी जो है -636 है। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, एन इक्वल टू फार्मूला होता है -b+-√b² -4ac/2a। तो यहाँ पे ए वाला फर्स्ट टर्म वाला ये नहीं लेना है, ए वाला लेना है, इसको ए वन दे देते हैं अपन, तो ए वन कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा -5±√b² 5² -4 इंटू, ये जो ए है कितना है, 4 है, इंटू सी क्या है, -636 है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। हम आगे जाके और सॉल्व करते हैं इसको, तो -5±√5² 25 -4 4 16 × -636 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे देखिए 16 और 636 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 × 636, तो 6 6 जो 36 कैरी ओवर 3 6 3 18 और 3 21 कैरी ओवर 2 6 6 जो 36 और 2 38। यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं तो 636, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, इसको ऐड कर देते हैं, 6 7 8 3 11 कैरी ओवर 10। तो बच्चों इसको और सॉल्व करते हैं आगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो -5±√25+10176 डिवाइडेड बाई 8। तो चलिए और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -5
प्लस माइनस अंडर रूट 1201 डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए इसमें 10201 का हम लोग को रूट निकालना है, तो यहाँ पे मैं रूट निकालने का बता देता हूँ आपको। तो इसमें पेयर बनाते हैं, 02 एक पेयर होगा, 01 पेयर होगा और 1 सिंगल होगा, तो 1 1 जा 1। इसमें जो फर्स्ट टर्म रहता है उसी को डिवाइड करते हैं, तो 0 आ गया, इसमें प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे 02 उतरेगा, तो यहाँ पे 0 करेंगे तभी इससे छोटा नंबर आएगा, यहाँ पे भी 0 करेंगे, इस 0 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 को ऐड करेंगे तो हो गया 20। यहाँ पे इस पेयर को उतारेंगे तो 01 नीचे आ गया, फिर यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे भी 1 डालेंगे तो ये 201 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो रूट है वो क्या आ गया आपका, इसका रूट आ गया बच्चों -5 प्लस माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8। अब इसमें चलिए आगे सॉल्व करते हैं, टेकिंग प्लस, सबसे पहले प्लस लेते हैं, तो प्लस लेंगे तो क्या हो गया -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8, तो हो गया 96 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ गया 12, तो n का वैल्यू क्या आ गया 12। अब दूसरा इसमें लेंगे टेकिंग माइनस, तो माइनस लेंगे तो क्या हो गया -5 -101 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू -106 डिवाइडेड बाई 8, तो n का वैल्यू n है ना, n's वैल्यू नेवर वी नेगेटिव है ना, n का वैल्यू जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 12। तो बच्चों मेरे को भरोसा है कि इसको काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है और ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।